सो हेलो हेलो एंड हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा गेमर और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज आपको बता रहा हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको पता है बट आप वो चीज कर नहीं रहे। कैसे कर लूं? तो वो चीज है मेरे भाई टीकन गेमर के चैनल को। आपके सामने वो चैनल है बट आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मेरा भाई गाइस मेरे से भी पहले, मतलब 2.5 साल 3 साल पहले से वीडियो अपलोड कर रहा है। हम दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस उस चैनल के लिए बट वो चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब ये ऐसा है कि उसमें वीडियो वायरल ही नहीं हो रही। तो प्लीज मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि मेरी ऑडियंस चाहे तो उस चैनल को ऊपर उठा सकती है। मतलब यदि वीडियो को आप चेकआउट करो, यदि उस वीडियो को आप ज़्यादा देर तक की देखते हो, उसमें वॉच टाइम ज़्यादा आता है और यदि व्यूज ज़्यादा आती हैं तो शायद से वीडियो को वायरल कर दे यूट्यूब। तो प्लीज़ यार मेरे छोटे भाई टीकन गेमर के चैनल को कर देना सब्सक्राइब और गाइस वीडियो देखना नहीं भूलना, क्योंकि वीडियो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करने से भी कुछ नहीं होता यदि आप वीडियो नहीं देखोगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैं लिंक दे दूंगा और आपके स्क्रीन के सामने भी आ रहा होगा उसके चैनल का लोगो और चैनल का नाम। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज मैं दिल से बोल रहा हूं मेरे भाई के लिए, दिल से। तो प्लीज यार मेरी ऑडियंस हो, आप मेरे सपोर्ट में हो तो आप ये कर सकते हो। अब आ जाते हैं गेम के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तो गाइस दुनिया की चकाचौंध से बाहर हम आ जाते हैं गेम के अंदर। मतलब गेम एक नई दुनिया है जहां हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सह लेंगे थोड़ा सा। क्या आपको ये पता है कि यदि आप फ्री फायर खेलते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और नहीं खेलते हो तब भी बहुत अच्छा लगता है, और खेलते हो तो बहुत ज़्यादा बोर लगता है और नहीं खेलते हो तब भी बहुत ज़्यादा बोर लगता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ऐसा क्यों? जा पूछ के आप इसका आंसर ढूंढ के रखो और वीडियो में कमेंट कर देना। और एक और मोस्ट क्वेश्चन कि आपके मम्मी पापा ने आपके हाथ से कितने बार फोन छुड़ाया है। ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं होगा जिसके हाथ से उनके मम्मी पापा ने फोन नहीं छुड़ाया होगा, और जिसने नहीं छुड़ाया है वो तो भगवान है भाई, भगवान। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जितने भी बंदे देख रहे हैं कमेंट कर ही देना कि आपके मम्मी पापा ने कितने बार आपके हाथ से फोन छुड़ाया है। तो प्लीज कमेंट कर देना, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे और आप मेरे चैनल में ऐसे ही बने रहें, क्योंकि आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग वीडियो और खतरनाक गेम प्ले लेके आता हूं। और गाइस बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी रहती है मेरी वीडियोस में, बहुत ही ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत तो रहती है, इतनी रहती है कि आपको इंटरटेन करने के लिए बहुत है। तो गाइस अभी सामने एक बंदा है, मैंने उड़ाया उसको कार से बाहर। तो गाइस मैंने इसको उड़ा के बिल्कुल कतई एक दो इमोट दिया कि इसका खून है वो ज़्यादा खोले, और बंदा बहुत ही ज़्यादा, यदि वो बंदा फिर से रिवाइव हो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रस करे हमारे ऊपर। बट हमारे ऊपर तो दूसरे बंदे ही रस करने में तुले हुए हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से हमको मार रहे हैं गाइस। और मेरे को एक बात याद आई, इमोट देने से पहले इनको पहले मारता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अभी 10 किल मैंने कर लिया हूँ। ओ भाई सामने से बंदा आ रहा था, यदि मैं डायरेक्टली ड्रैग करता था वो बंदा डायरेक्ट ही मर जाता। तो गाइस ये बंदा खतई का, मतलब भाई बहुत ही चतरा है यार, इसकी चतराई में तो सल्यूट है ब्रदर, सल्यूट यार, क्या चतराई दिखा है ये, क्या है? और अभी तो रुको, अभी तो पूरा गेम प्ले बाकी है गाइस। अभी 21 बंदे बचे हुए, 10 किल मैंने कर लिया हूँ। सामने एक बंदा लग रहा था, क्योंकि यस पीछे से, हमारे पीछे से कोई गुलच, भाई नीचे से बंदा आया, कतई जहर, क्या तगड़ी बंदी है ये बंदी। एक मिनट, बंदी से याद आया यार, कितनी औसम है। सो गाइस यहाँ पर 11 किल मैंने कर लिए हूँ, और अभी एक और बंदा हमको मारने में तुला हुआ है। एक बंदे ने हमारे बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया, इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया कि क्या ही बोलूँ। मतलब एक गोली ही पड़ती तो बंदा ख़त्म हो जाता, बट उससे पहले हमने सामने वाले बंदे को, मतलब अपोनेंट को ख़त्म कर दिए। पीक की भूल वजह से आ चुके हैं ऊबड़ खाबड़ वाली जगह, मतलब आ चुके हैं हम पहुँचने जहाँ पर पुल टावर और आपको रास्ते और घर वर सब मिल जाएंगे, जहाँ की लूट मतलब बिल्कुल औसम होती है और जहाँ का फ्लेवर रहता है बिल्कुल खूबसूरत। एक बंदा कतई ऊपर वाले टावर में बंदा मारा मैंने, 15 किल मैंने कर लिए हूँ, 12 बंदे अभी भी बचे हुए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फाइट होने वाली है, 8 बंदे अब बचे हैं गाइस। सामने एक बंदा है ड्रॉप के पीछे जो कि अभी ही लैंड करके आया था, बट इसकी किस्मत में जिंदगी नहीं मौत थी। कैसी लगी?
ये आया और वो गया, इतना ही अच्छा क्या ही, मतलब आत्मा को भगवान के पास कितनी जल्दी भेजता हूँ यार मैं, मतलब कतई जहर यार प्यारे गेमर, ओपी बोलते खोपड़ी खोलते। तो गाइस अभी मैंने जस्ट एक और किल करा, 17 किल मैंने कर लिया हूँ, लास्ट के बचे हैं बंदे 3, क्योंकि गाइस इन बंदों ने एक और बंदे को रिवाइव कर लिया था। सामने एक बंदा, मतलब सामने है 2 बंदे, बट एक बंदे को मैंने मारा हेडशॉट और एक बंदा अभी भी बचा हुआ है जो कि सफेद वाले गुलवाल के पीछे है और हमारे बंदे को कर रहा है डैमेज। मैंने निकाला एक और एक से मारा एक हेडशॉट है बंदे को, मतलब एक दो ही गोली का बचा है, बंदा हो चुका है नॉक। लास्ट का एक बंदा बचा है, उसको मार डाला तो लाइफ जिंगल डाला, पर ये बंदा तो वही है जो अभी अभी ड्रॉप के पीछे मारा था, कि आत्मा को भगवान के पास भेजा था, पर ये फिर से वापस आ गया। तो गाइस अभी हमारा हो चुका है बॉय, जिसने भी लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगी तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू वाला बेल कॉल पर सेट कर डालना, और मेरे भाई टीकम गैंग के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक फॉर वॉचिंग।